बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बेबी का झबला टॉप आइडिया के लिए लेकर आई हूँ। ये हमारा रेडीमेड झबला है, इस पर दो पॉकेट लगी हुई हैं और आप स्लीव देख सकते हैं, स्लीव भी फ्रिल वाली बनी हुई है जो कि बहुत ही प्यारी सी है, और पॉकेट पर भी बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अभी मैं आपको करीब से दिखाने लगी हूँ कि बॉर्डर पर भी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें, बॉर्डर पर भी यानी कि जो हमारे घूम है उस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और इसके घूम भी सही है, यानी कि फ्रंट पर इसके प्लेट्स है और बैक जो है वो एयरलाइन है। आप इसकी पॉकेट देखें, हम एम्ब्रॉयडरी वाला कोई फैब्रिक ले लें और उससे चकोर पीस कट कर लें और एक लैस लगाकर इस तरह से पॉकेट बना सकते हैं। ये मैं आपको आइडिया इसलिए दे रही हूँ, हमारे पास एम्ब्रॉयडरी के बहुत से ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं, उसमें से हमारे छोटे छोटे कट पीस बच जाते हैं। आप चाहें तो ये घूम के लिए भी लैस ले लें, उसी लैस से आप पॉकेट बना लें। और अब बॉडी की तरफ आ जाते हैं, ये इसकी योक है, आप योक देख सकते हैं, ये छोटी छोटी टसल वाली लैस लगाई हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, और एक छोटा सा फ्लावर लगाया यानी कि बो की शक्ल में। तो मैं आपको इसकी पेमाइश भी बता देती हूँ और अब आप स्लिप भी देख सकते हैं। ऐसे ही आप लेकर लैस लगा लें और फ्रिल वाली आप स्लीव बनाएं, यानी कि आप बेल स्लीव्स भी बना सकती हैं। फ्रेंड, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये एक फ्रिल है, सिंपल मोड़कर प्लेट डालकर और यहाँ पर अटैच की हुई है और जिस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। पहले आप एम्ब्रॉयडरी करवा लें या लैस लगा लें, तो इस तरह से ये झबला स्टाइल बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको बैक भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बैक पर छोटी सी जिप लगी हुई है और एयरलाइन है, और फ्रंट से प्लेट्स वाला है, ये देखिए। तो आप इस तरह का आइडिया लेकर अपने लिए, अपनी बेबी के लिए खूबसूरत सा झबला बना सकते हैं। फ्रेंड, ये इसकी आप लेंथ देख सकते हैं कि ये 25 इंच की इसकी लेंथ है, तो तकरीबन ये 5 साल की बेबी का फ्रॉक है, और ये बहुत ही खूबसूरत झबला टॉप कुछ भी कह लें आप। आप इस तरह का लीलन में बनाएं, उसमें भी बहुत प्यारा लगेगा, और कॉटन लॉन में भी। ये कॉटन फैब्रिक का है जो कि बहुत ही प्यारा है। फ्रेंड, इसकी मैं आपको पेमाइश बता देती हूँ, इसकी योक तैयार 11 इंच की है। अगर हम स्टिच करेंगे तो हम तकरीबन 12.5 इंच इसको लेंगे चेस्ट के पास से, चेस्ट यानी कि थोड़ा नीचे से, तो हमारा 15 इंच के बराबर है और ऊपर से 11 इंच, और शोल्डर इसका 10.5 इंच। और इसकी लेंथ भी बता देती हूँ, 6 इंच की इसकी लेंथ है, और आप नेक भी देख सकते हैं, 5 इंच की इसकी लेंथ है। तो आप इसकी डीप भी देख सकते हैं, हमने 3 इंच की डीप दिखाई है। इसकी पेमाइश दिखा दी है और स्लीव भी दिखा देती हूँ कि जब आप बेबी का झबला कटिंग करें तो आपको इसकी कंप्लीट 15 इंच है, और हमने इसकी लेंथ 10 इंच की लेनी है, और उसके बाद हम फ्रिल बड़ी छोटी ले सकते हैं यानी कि 5 इंच की। आप इसमें बेल स्लीव भी बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सा टॉप है।
फ्रेंड, अगर आपको हमारी दिखाई हुई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, ये आप बेबी का 2 मीटर में बना सकते हैं। 2 से थोड़ा कम भी हो फैब्रिक तो उसमें भी तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा है और ख़ूबसूरत है। इसकी कटिंग करना भी इजी है। पहले आप फ्रंट का फुल पीस ले लें घूम वाला और उसकी दरमियान में से थोड़ी सी डीपनेस कर लें और बैक का एयर लाइन कट करें और फ्रंट की योक कट कर लें और फ्रंट और बैक एक साथ इस तरह तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्लेट डाल लें इसमें। और फ्रेंड, हमारी ये दिखाई हुई वीडियो आइडिया अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये आइडियाज़ वीडियो आपको कैसी लगी। हम आइंदा भी आपके लिए कोई ना कोई आइडिया लेकर आते रहेंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं ये एक आइडिया लेकर आई हूँ। ये बहुत प्यारा सा एक टॉप बना हुआ है। ये घूम है, इसके साइड में हमने अम्ब्रेला कटिंग कर इस पर अटैच किए हुए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से बनाया हमने। ये हमने यहाँ से चेस्ट के पास से चुड़ाई ली और उसके बाद आर्म होल कट किया और उसके बाद हमने 3 इंच छोटा कर और यहाँ पर हमने पैनल कट करके कटिंग डाली, यानी कि अम्ब्रेला कट दोनों साइड डाले। हाफ हमने अम्ब्रेला बनाया और दोनों साइड इस पर डाला। और ये है ना, सबसे पहले हमने यहाँ से स्टिच किया और फिर ये यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। आप यहाँ पे पाइपिंग और लैस भी लगा सकते हैं। ये बहुत प्यारा सा है। ये नीचे दरमियान में हमने लैस लगाई हुई है और ये बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड, इस तरह के टॉप स्टिच करने भी बहुत इजी हैं। और ये बैक पर मैं दिखा देती हूँ, ये स्लिट बनाया हुआ है। ये देखिए, ये कितना नीट और फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और पाइपिंग भी। ये देखिए, आप है ना, यहाँ पर बटन लगाना चाहें बटन लगा लें, आप ये टसल बनाकर लगाना चाहें तो टसल भी बना लें। तो फ्रेंड, ये बहुत थोड़े से फैब्रिक से बन जाता है, यानी कि ये तकरीबन 4 साल की बेबी का है। ये 1.25 मीटर फैब्रिक में बना है। अगर बड़े अरस का हो तो 1 मीटर में बन जाता है, यानी कि इसका अरस बड़ा था तो मैंने आपको 1.25 मीटर इसलिए बताया ताकि आप अपने बेबी के लिए पूरा ड्रेस लें तो ज़्यादा भी ले सकती हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये आइडिया भी अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी आइडियाज़ वीडियो कैसी लगी। आप स्लीव, ये फुल स्लीव हैं, आप चाहें तो कफ वाली बना लें, आप चाहें तो लैस लगा लें। और फ्रेंड, ये तकरीबन 20 इंच का फ्रॉक है, आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसकी कोई बात आपको पूछनी हो कटिंग के बारे में तो इसकी कटिंग हमारे दूसरे चैनल पर लगी हुई है, तो आप वो कटिंग भी देख सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहें, ये फ्रंट के पीस पर आप इसे अंगारखा स्टाइल भी बना सकते हैं एक पीस और लगाकर। तो अब हम आपको कोई और फ्रॉक का आइडिया दिखाएंगे। फ्रेंड, आज मैं फिर एक आइडिया लेकर आई हूँ। ये बहुत प्यारा सा एक पठानी फ्रॉक है, इसे कुछ लोग घग्गा भी कहते हैं। इस पर ये पॉकेट भी लगी हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत, ये आप पॉकेट देख सकते हैं। ये भी कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी, ये हमारी बलोची एम्ब्रॉयडरी है। ये आप देख सकते हैं एक बारीक सी लैस लगा कर, ये खूबसूरत सा, ये आप देख सकते हैं कि बैक से इस तरह से ये एक साइड लैस लगाई जाती है। फिर उसके साथ
ये दरमियान में एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है, फिर दूसरी लैस लगाई जाती है सुई से ही, फिर उसके बाद ये छोटा छोटा सा डिज़ाइन बनाया जाता है, फिर पैरेट कलर का, ग्रीन कलर का, और इस तरह से ये स्टार्ट हो जाता है। और ये भी सारी लैस लगाकर पहले जिग जैग बनाई है, ये फ्रंट और बैक दोनों साइड, और ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो फ्रेंड, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये आप कंप्लीट देखें, ये बहुत ही प्यारा पठानी फ्रॉक है, और ये साइड पर प्लेट डली हुई है, ये आप देखें। ये यहाँ से यहाँ तक एक पीस लिया जाता है जितने हमें घूम बनाने हो, और उसके बाद हम जितनी हमारी फिटिंग हो यहाँ पर प्लेट डालकर इसको अटैच कर दिया जाता ताकि हमारी ये फिटिंग बन जाए। अगर आपने लूज बनाना है तो यहाँ छोटा सा एक वी शेप का समोसा टाइप डालते हैं जिसे चपकला कहते हैं, और आप इसे भी चाहें तो इसमें प्लेट ना डालें, यहाँ पर प्लेट डालें और इतना सा पीस थोड़ा सा लूज की शेप में डालें तो वो भी खूबसूरत बनता। मतलब इसके बहुत से तरीके होते हैं, और ये बिल्कुल चकोर यहाँ से बनाई जाती है, और ये शेप, और ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और ये भी आप नेक पर भी देख सकते हैं, ये इसी तरह डोरी लगाकर पहले, सबसे पहले डोरी लगाई गई है, और फिर उसके बाद ये इस तरह से डिज़ाइन बनता चला गया, और बीच में ये थोड़े छोटे छोटे से सितारे भी लगाए गए हैं। ये बहुत खूबसूरत है फ्रेंड। अगर आपको हमारी दिखाई हुई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स कर भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम आपके लिए न्यू न्यू प्यारे प्यारे आइडियाज़ लेकर आते हैं, ये हमारी आइडियाज़ पर वीडियो बनी हुई होती है। और फ्रेंड, इसकी आप बैक भी दिखा देती हूँ पीछे की साइड से, ये देखें, ये घूम आप देख सकते हैं कम ज़्यादा, और यहाँ से भी आप बैक देख लें, ये पीछे से इसकी ये नेक तो, और बाजू पर भी इसी तरह से बनाया हुआ है। तो यकीनन फ्रेंड, इस तरह के कपड़े हमारी बेबी को पठानी फ्रॉक बहुत प्यारे लगती हैं, खूबसूरत है ये। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको हमारा कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है।